Now again, another example regarding size property of the pointers. In that case, we are declaring three variables simply x, y, z having different data types. Same as we are declaring three pointer variables having different types of pointers. लेकिन सभी pointers का size क्या रहेगा? Always 2 bytes. Point कितने bytes होंगे? 1 byte, 2 byte and 4 bytes. इस केस में stack diagram create नहीं करके simple diagram create करूँगा just because of explanations. मीन्स अगर मैं सिंपल डायग्राम क्रिएट करूँ देना आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी इजली होगा. इन दैट केस फर्स्ट केस में टोटल थ्री वेरिएबल्स क्रिएट हुए एक्स वाई जेड. फिर से मैं बोला इस केस में आपको एड्रेस कॉन्सल्टेट करनी नहीं, मीन्स इस केस में कॉन्सल्टेट क्या करना है, मीन्स किसी पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं. सपोज दैट आपके पास थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं लाइक दैट वे. वन मोर ब्लॉक, वन मोर ब्लॉक एंड सो ऑन. दिस आर सम प्लेसेस. सपोज दैट एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक इज 100 101 102 103 104 105 एंड सो ऑन. सेम एज प्रीवियस केसेस. सेम एज एड्रेस ऑफ दैट प्लेस इज 200 201 202 203 4, 5 and so on. Some previous places, same as 300, 301, 2, 3, 4, 5 and so on. First one, initially total 3 variables create ki x. Suppose that x में आसान क्या करूँ, first block. लेकिन first block में कई सारे bytes possible, लेकिन x से कितने bytes करने होंगे, only 1 bytes, just because of data type of x. x का type क्या है? कैरेक्टर्सली एक्स कितने बाइट्स का नेम, ओनली 1 बाइट्स का. जिस बाइट का नेम एक्स है उस प्लेस पर बाइनरी फॉर्म में आसान क्या हो जाएगा, आस की वैल्यू ऑफ ए. लेकिन इस केस में डायरेक्टली कंटेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सेम है सेकेंड केस वाई. वाई के लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशंस. रियल केस में सारे एलोकेशन कंटिन्यूस फॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू स्टैक डायग्राम. लेकिन इस केस में सिंपल ऑर्डिनरी डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, नॉट अ स्टैक डायग्राम. इन दैट केस वाट इज द साइज ऑफ वाई. वाई का डेटा टाइप इंटीजर, इसलिए वाई कितने बाइट्स का नेम हो, इट इज अ नेम ऑफ 2 bytes, name of 2 bytes. Plus in 2 bytes के केसेस में binary form में आसान क्या हो जाएगा, binary number of 10 in the form of binary format, something like 0001010. Same third case में क्या है, z. z के केस में z की बात करें, z का data type क्या है, float. इसलिए z कितने bytes के name होगा, z is a name of 4 bytes. z is a name of 4 bytes. In 4 bytes में binary form में क्या store होगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2.5. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केसेस में क्या क्रिएट किया, पॉइंटर्स पी क्यू आर. डिफरेंट प्लेसेस आसान कर रहा हूँ पी क्यू आर के लिए. 2 बाइट्स, सम एन अदर 2 बाइट्स, सेम एज एन अदर 2 बाइट्स. दिस वन इज अ पी क्यू आर. हो सकता है इनका भी एड्रेस हो समथिंग 1000 2000 एंड सो ऑन. ओनली एजम्पशंस, नॉट द एक्चुअल रिलेशंस. पी के केस में क्या आसान हो रहा है, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स. एक्स के केस में एड्रेस क्या है, 100. इसलिए पी में क्या आसान हो जाएगा, 100. पी उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका नेम 100 है. लेकिन पी 100 के बाद, पी के पास एक ही बाइट का एड्रेस, लेकिन 100 के बाद कई सारे बाइट्स हैं. लेकिन ये पॉइंट कितने बाइट्स करेगा, और द डेटा टाइप ऑफ पी. पी का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, कैर स्टार. इसलिए कितने बाइट्स पॉइंट करेगा, ओनली 1 बाइट्स फ्रॉम 100 ऑनवर्ड्स. 100 ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स पॉइंट करेगा, 1 बाइट्स. इसलिए सिंगल बाइट का नेम क्या होगा, ऑल्सो स्टार पी. सेम एस क्यू में क्या आसान किया, क्यू इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वाई. वाई के केस में रियल में वाई के पास 2 बाइट्स हैं. फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है, 200, और सेकंड बाइट का एड्रेस क्या है, 201. लेकिन वाई में आसान क्या होगा, ओनली फर्स्ट बाइट का एड्रेस. फर्स्ट बाइट का एड्रेस 200, इसलिए सॉरी क्यू में क्या आसान हो जाएगा, ऑल्सो 200. प्लस क्यू 200 लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. 200 लोकेशन से कंटिन्यूसली कितने बाइट्स पॉइंट करेगा, ओनली 2 बाइट्स. क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर. इसलिए इन नेक्स्ट 2 बाइट्स का एनदर नेम क्या है, स्टार क्यू. नेक्स्ट वन आर. आर के केस में क्या आसान किया, एड्रेस ऑफ जेड. और जेड का एड्रेस क्या है, जेड के पास टोटल 4 बाइट्स हैं. फर्स्ट बाइट का एड्रेस है 300 301 302 303. लेकिन फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है, 300. इसलिए आर में क्या आसान होगा, 300 लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा.
इसलिए इन फोर वर्ड्स का नेम क्या हुआ स्टार आर। आर कितने वर्ड्स का नेम है फोर वर्ड्स का। मीन्स आर के केस में आपने किसी भी पॉइंटर में किस टाइप का एड्रेस असाइन किया डजंट मैटर, पॉइंटर कितने बाइट्स पॉइंट करेगा डिपेंड करेगा पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है। इन दैट केस फाइनली स्टार पी, स्टार पी में क्या स्टोर है ए, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा फर्स्ट प्रिंट एफ से स्टार पी का वैल्यू परसेंट सी से डिस्प्ले करा है इसलिए क्या प्रिंट होगा ए। सेकेंड केस में स्टार की, स्टार क्यू का वैल्यू क्या है टेन। थर्ड केस में स्टार आर, पॉइंट यूज किया जस्ट सिक्स, बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन क्या रहता है सिक्स, इस केस में प्रिसीजन वैल्यू क्या रहेगा टू, स्टेट डिस्प्ले क्या होगा टू, प्रिसीजन 2.50। दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम।